हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम अपनी पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब था कि फाइनेंस को मैनेज करना, मनी मैनेजमेंट, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कि भाई हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो, हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब आप सोच रहे हो कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, तो पहले ये याद रखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। तो देखो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि मेरी कंपनी में कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, मेरी कंपनी में, सपोज़ करो मेरी कंपनी का नाम है, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मेरी कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है, अब मेरी कंपनी में कुछ बंदे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सपोज़ करो मेरी कंपनी में 10 बंदों ने इन्वेस्ट किया, तो यार वो मेरी कंपनी में यूं ही तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, वो यही सोच के इन्वेस्ट कर रहे होंगे ना, मेरी कंपनी में 10 शेयर हो, मैंने शेयर्स इशू किए थे, उन्होंने 10 बंदों ने शेयर्स खरीदे, तो वो शेयर्स यही सोच के तो खरीदेंगे ना कि उनको बदले में क्या मिलेगा, बदले में उनको मिलेगा डिविडेंड। उन्होंने यही सोच के तो मेरे शेयर्स परचेज किए, अगर मैं उनको डिविडेंड नहीं दूंगी तो वो नेक्स्ट टाइम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है जो बंदे मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बंदे मेरे शेयर्स खरीद रहे हैं, जैसे यहाँ पे 10 बंदों ने मेरे शेयर्स खरीदे, तो उन 10 बंदों को डिविडेंड देना, उनका वेल्थ मैक्सिमाइज कराना, मतलब उनको रिटर्न देना जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसको हम बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो दोबारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब लेके चलते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कुछ शेयर होल्डर्स मेरे शेयर्स परचेज कर रहे हैं, कोई बंदा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनकी उनको इंटरेस्ट देना, उनको प्रॉफिट देना, उनको डिविडेंड देना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं। मतलब उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज कराना, उनको इंटरेस्ट देना, डिविडेंड देना। तो अगर आपसे एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो आप लिख के आना द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फिर ये पूरी राम कहानी जो मैंने आपको बताई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब, फिर आप एग्जाम में ये लिख के आना अगर वेल्थ आपसे पूछा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में, कि क्यों ज़रूरत पड़ती है वेल्थ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमारा आता है फाइनेंशियल डिसीजन। अब फाइनेंशियल डिसीजन को बताने से पहले मैं एक चीज़, एक टर्म, दो टर्म्स हैं उनको क्लियर करना चाहती हूँ। एक हमारी टर्म आती है फाइनेंस, ठीक है, एक आती है हमारी टर्म फाइनेंस, और हमारी दूसरी टर्म आती है फाइनेंशियल। एक आते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट, एक आती है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखो, फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमारा पैसा कहाँ से आएगा। फाइनेंस मैनेजमेंट में हम डिसाइड करते हैं कि हमारा पैसा कहाँ से आएगा, उसके बाद हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ हमारा फाइनेंस डिसीजन में नहीं आता, फाइनेंस मैनेजमेंट में नहीं आता। बट जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है इसमें हम डिसाइड करते हैं कि भाई मेरा पैसा कहाँ से आएगा। दूसरा ये कि अगर मेरे पास पहले से ही पैसा पड़ा है तो मैं उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँगी, उसको कैसे यूटिलाइज करूँगी। और तीसरा ये कि अगर मेरी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है तो मैं उस प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करूँगी, कितना मुझे खुद के पास रखना है, कितना डिवाइड करना है। तो ये था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब। और फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब मेरे पास कुछ पैसा कम पड़ रहा है तो मैं उस पैसे को कहाँ से अरेंज करूँगी, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, हिंदी में लिख दो कहाँ से आएगा पैसा, ये कहाँ से हम डिसाइड, ये कहाँ से डिफाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं हम फाइनेंस मैनेजमेंट में, हम डिसाइड करते हैं। तो ये था टर्म फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब। अब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। तो यार देखो, फाइनेंशियल डिसीजन में हमारे 3 डिसीजंस आते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। अब इन डिसीजंस को पढ़ते ही आपको फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब के लिए भी, 12th के लिए तो है ही, और आगे अगर आप कुछ कोर्सेज करते हो तो उसमें भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसको आप ध्यान से सुनना, ठीक है, हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। अब इन टर्म्स को पढ़ाने से पहले हम 2 टर्म्स का मतलब समझते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन के 3 टाइप समझाने से पहले हम डेप्थ और इक्विटी टर्म का मतलब समझते हैं। तो देखो, डेप्थ का मतलब होता है किसी से लोन ले लेना,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेप्थ। अब यार देखो, हम लोन लेते हैं तो कोई बंदा हमको लोन दे रहा है तो वो उसके बदले में भी हमसे कुछ लेता है। देखो, एक तो ये कि हमें उसके पास अपनी एसेट्स सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उसको देनी पड़ती है कि भाई अगर हम किसी केस में अपनी एसेट्स, हम उसका लोन रिटर्न नहीं कर सकते तो वो हमारी एसेट्स बेच के पैसा ले लेगा, हमारी एसेट्स ले लेगा। ठीक है, अब कोई बंदा हमको लोन दे रहा है तो यार वो लोन के बदले में हमसे क्या लेता है? वो लोन के बदले में हमें हमसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, जैसे 10% इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट, वो कुछ इंटरेस्ट लेता है हमसे। और दूसरा ये कि जो अमाउंट, जिस जितने अमाउंट का मैंने उससे लोन लिया है, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा, वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस मांगेगा, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट वापस लेगा। तो अगर कोई बंदा हमको लोन देता है तो वो लोन के बदले में इंटरेस्ट, लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो, और अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस मांगता है। और इन केस हम उसको नहीं दे पाते तो वो क्या कर लेता है, वो हमारी एसेट्स वापस ले लेता है। तो ये था डेप्थ टर्म का मतलब, हम एग्जांपल लेके समझते हैं। तो सपोज करो एक बंदा है, ठीक है, अब मुझे लोन लेना है, मेरी एक फर्म है, एक मिनट, मेरी एक फर्म है, मेरी फर्म का नाम है एक्स वाई, ठीक है, मेरी फर्म्स बनाती है टॉयज़, बच्चों के खिलौने बनाती है मेरी फर्म। तो अब सपोज़ करो मेरी फर्म, मुझे ज़रूरत पड़ गई 10 लाख रुपए की। मैंने जब फर्म खोली तो मेरे पास कम ज़रूरत, कम पैसे पैसे कम पड़ गए, तो मैंने क्या किया, मैंने मैंने लोन ले लिया। 10 लाख की मुझे ज़रूरत थी तो मैंने लोन ले लिया। मैंने लोन लिया अपने किसी दूर के नोन पर्सन से, जिसका नाम हम सपोज़ कर लेते हैं राम। अब मैंने क्या किया, मैंने राम से लोन ले लिया, मुझे पैसे की ज़रूरत थी। तो यार राम मुझे लोन देगा तो वो बदले में मेरी एसेट्स ले लेगा, ठीक है, मेरे एज अ सेफ्टी पर्पस। और दूसरा ये कि अगर उसने मुझे 10 लाख रुपए का लोन दिया है तो वो उस पर कुछ फिक्स इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। वो इंटरेस्ट हमारा 5% का भी हो सकता है, वो इंटरेस्ट हमारा 10% का भी हो सकता है। और दूसरा ये 10 लाख तो हमको देने ही है, ठीक है। तो ये डेप्थ टर्म का मतलब होता है कि अगर हम, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ रही है और हम सामने वाले बंदे से लोन ले रहे हैं तो उसके बदले में वो हमसे फिक्स इंटरेस्ट चार्ज करेगा, दूसरा वो हमसे प्रिंसिपल अमाउंट लेगा। इन केस हम उसको ये नहीं दे पाते तो वो हमारी एसेट्स अपने पास रख लेगा। अब हम आते हैं टर्म इक्विटी पे कि इक्विटी का मतलब क्या होता है। देखो, इक्विटी को मैं इतना आपको इतना अच्छे से नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी इक्विटी टर्म की, सॉरी शेयर्स टर्म की, तो शेयर्स को ही हम इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे शेयर्स होते हैं वो इक्विटी होते हैं। मैं पिछले वीडियो, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके इक्विटी का मतलब पढ़ना। अब हम देखते हैं, अब हम इन दोनों टर्म्स को कोरिलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, कॉस्ट ऑफ डेप्थ इज़ लोअर देन इक्विटी। आपको ये लाइन दिखने में बहुत छोटी लग रही है बट इस लाइन के पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। तो अब हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, अगर मैं किसी बंदे से डेप्थ पे पैसा लेती हूँ, मैं किसी बंदे से डेप्थ पे पैसा लेती हूँ मतलब मैं किसी से लोन पे पैसा ले रही हूँ, है ना। अगर मैं किसी से लोन पे पैसा लेती हूँ तो यार वो मेरे से क्या करेगा, अगर मैंने 10 लाख का सपोज करो लोन लिया है तो वो मुझसे 10 लाख रुपए तो लेगा ही लेगा, ठीक है, 10 लाख तो मुझसे लेगा ही, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो तो लेगा ही। बट वो उस पर कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट उसने चार्ज किया था, सपोज करो यहाँ पे उसने चार्ज किया है 10% का इंटरेस्ट, तो वो मुझसे वो इंटरेस्ट भी लेगा, है ना। तो टोटल मुझे उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, टोटल मुझे उसको पे करना पड़ेगा 11 लाख रुपये, है ना। मुझे उसको टोटल पे करने हैं 11 लाख। अब ये डेप्थ पे मैंने पैसा लिया था। अब मान लो इसी की जगह मैं इक्विटी पे पैसा लेती तो क्या होता, अगर मैं सपोज़ करो इक्विटी पे पैसा ले रही हूँ तो क्या होगा, इक्विटी पे मैंने पैसा लिया, इक्विटी मतलब मैंने शेयर्स इशू करके पैसे लिए हैं, ठीक है। अगर सपोज़ करो मेरी मेरी कंपनी ने जो है 1000 शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, 1000 शेयर्स के इशू किए हैं, तो एक बंदा था, उस बंदे का नाम राम था, तो राम ने क्या किए, राम ने मेरी कंपनी के 100 शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। जिस टाइम उसने मेरे शेयर्स खरीदे उस टाइम मेरे शेयर्स की वैल्यू थी 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये मेरे शेयर्स की वैल्यू थी। तो वो मेरी कंपनी में कितने अमाउंट का मालिक बन गया, वो मेरी कंपनी में मालिक बन गया। जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमारी कंपनी के इनडायरेक्ट ऑनर्स होते हैं, तो वो मेरी कंपनी में 1000 रुपये का मालिक बन गया। अब क्या हुआ, 5 साल बाद क्या हुआ, आफ्टर 5 ईयर्स मेरे शेयर्स की वैल्यू क्या हुई, बढ़ गई, बढ़ के मेरे शेयर्स की जो जो मेरा एक शेयर 10 रुपये का था, मेरे अब उस एक शेयर की वैल्यू हो गई 100 रुपये, सॉरी नहीं, मेरे उस एक शेयर की वैल्यू हो गई 1000 रुपये। तो जो बंदा, जो राम, जिसने मेरे 100 शेयर्स खरीदे थे, वो मेरे में 5 साल पहले 1000 रुपये का मालिक था, बट वो इस टाइम क्या हो गया, वो इस टाइम मेरी कंपनी में कितने का, 1 लाख का मालिक हो गया। तो देखो मतलब 99,000 का क्या है, डिफरेंस है। तो यार अब आप उस टर्म पे वापस आओ,
कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर देन इक्विटी, मतलब जो हम उधारी पे पैसा लेते हैं, उधारी पे हम पैसा लेते हैं तो हमें उसमें सिर्फ, जब मैं उस केस में, मैंने आपको बताया मैंने लोन लिया तो प्रिंसिपल अमाउंट मिला के मुझे सिर्फ 11 लाख रुपये पे करना पड़ा, बट चाहे उसमें अगर हमको लोन 3 साल बाद पे करना है, 4 साल बाद पे करना है, फिक्स इंटरेस्ट वो हमको दे रहा है, हमें 11 लाख का पेमेंट करनी है। बट जब मैंने इक्विटी के थ्रू पैसा किया तो 5 साल बाद जिस बंदा, जो बंदा मेरी कंपनी में 1,000 का मालिक था, मुझे उसको क्या पे करने पड़ रहे हैं, वो मेरी कंपनी में 1 लाख का क्या हो गया, मालिक हो गया, वो 1 लाख का मालिक हो गया। तो अब समझो कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्यों कम होती है इक्विटी से, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जाता है इक्विटी का, वो हमारी कंपनी में फॉर एवर के लिए ऑनर बन जाते हैं, और इक्विटी पे हमारे अगर कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के हमारे कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो डेप्थ में तो क्या था, डेप्थ में तो हमें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट देना था, बट इक्विटी में क्या है, हमें हर साल अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इस वजह से हमारी जो इक्विटी के थ्रू हम जो पैसा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं बंदों से, वो इसलिए महंगी होती है डेप्थ के कंपेरिजन में। तो ये था इस लाइन का मतलब। हमारी दूसरी दूसरा दूसरी लाइन आती है, तो हमारी दूसरी स्टेटमेंट आती है डेप्थ इज़ मोर रिस्की दैन इक्विटी, की हमारी जो डेप्थ कैपिटल है वो इक्विटी के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगी होती, ज़्यादा रिस्की होती है, सॉरी महंगी नहीं, ज़्यादा रिस्की होती है। अब वो रिस्की क्यों होती है, क्योंकि देखो अगर सपोज करो मैं डेप्थ पे पैसा लेती हूँ, मैं उधारी पे पैसा लेती हूँ, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट उसको रिटर्न में देना पड़ेगा। अगर मैं उसको ये नहीं देती तो वो क्या करेगा, वो मेरी एसेट्स बेच देगा। मेरी फर्म अगर लॉस में भी जा रही है बट उसकी पेमेंट की डेट आ गई है, डेप्थ वाले बंदे की पेमेंट की डेट आ गई है, अगर मैं उसको नहीं देती, उसको मेरे लॉस से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने अमाउंट से मतलब है। अगर मैं उसको उसका अमाउंट नहीं दूंगी तो वो क्या करेगा, वो मेरी एसेट्स को बेच देगा। ठीक है, अब हम इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरी फर्म को इंटरेस्ट, मेरी फर्म को प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा, तो इक्विटी वाले बंदों को, शेयर्स वाले बंदों को, शेयर होल्डर्स को पैसा देना नेसेसरी नहीं होता अगर हमारी फर्म लॉस में है। तो रिस्क के कंपैरिजन में हमारी जो डेप्थ कैपिटल है वो ज़्यादा महंगी, ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि वो हमारे एसेट्स बेच सकते हैं बट इक्विटी वाले ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेप्थ इसलिए रिस्की होती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स का ये कंक्लूजन है। पहली स्टेटमेंट थी कॉस्ट ऑफ डेप्थ इज़ लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अगर हम कॉस्ट के कंपैरिजन में बात करें कि कौन सी ज़्यादा महंगी होती है, तो हमारी इक्विटी ज़्यादा महंगी होती है। वो क्यों होती है, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लार्ज अमाउंट देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को, बट डेप्थ वालों को हमें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट देना है। बट अगर हम रिस्क के कंपैरिजन में बात करें तो हमारी डेप्थ ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि अगर हम डेप्थ वाले बंदे को, जिससे हमने उधारी ली है, हम उसको अमाउंट ना दें उसका वापस, तो हमारी एसेट्स बेच देगा, बट इक्विटी वालों के पास कोई राइट नहीं होता। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैंने आपको ये बेसिक समझाने के लिए बनाई थी। तो अगली वीडियो में हम अपना फाइनेंसिंग डिसीजन कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप स्टडिंग, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, सब कुछ कर देना, और शेयर्स वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको पढ़ लेना यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टिल देन बाय।